गाइज वेलकम बैक टू ब्लश विद निकी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे आज की वीडियो टाइटल से ही पता लग रही होगी कि मैं आपको टॉप 5 लिपस्टिक बताने वाली हूँ ₹100। इफ यू आर बिगनर और लुकिंग फॉर सम पार्टी वियर ब्राइट लिप कलर तो ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो एंड तक देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम सुपर एक्टिव देयर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिपस्टिक है वो है एक सुपर अफोर्डेबल ब्रांड से विच इज ब्लू हेवन। ये है ब्लू हेवन का एलिगेंस मैट लिप कलर। ये रेड है, प्योर रेड है, इसमें शेड दे रखा है 03। ये लिप कलर इतना लॉन्ग लास्टिंग है ना, इवन ट्राई करने के बाद भी कई बार तो ऐसे होता है कि अगर आपके पास कोई अच्छा मतलब मेकअप रिमूवर नहीं है ना तो ये लिपस्टिक जाएगी ही नहीं। ये 7 से 8 घंटे तक आराम से आपके लिप्स पे रह सकती है। अगर आप किसी मतलब सुबह से शाम तक अगर आपको चाहिए कि कोई लॉन्ग लास्टिंग लिप कलर हो तो आप ये जरूर ट्राई कर सकते हो। इसमें और भी शेड आते हैं, ये आपको किसी भी लोकल स्टोर से भी मिल जाएगी। ये आई थिंक 100 रुपीज की है, इस पर प्राइस 105 लिखा हुआ है लेकिन ये 100 रुपीज की ही है। लोकल स्टोर से आपको किसी से मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका, पर्पल सब पे मिल जाएगी। ये इसका शेड कुछ ऐसा है, प्योर रेड है ये। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड अफोर्डेबल। नेक्स्ट है वो है एलेटिन की कलर पॉप मैट लिप कलर। ये जस्ट ₹75 में मिलती है हमें और ये एलेटिन जैसा अच्छा ब्रांड है। कॉलेज गोइंग गर्ल्स को तो सभी को पता होगा इस ब्रांड के बारे में बिकॉज ये ज्यादातर गर्ल्स यूज करती हैं। अफोर्डेबल है इस वजह से और इसमें काफी सारे आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। आई थिंक 8-10 कलर ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे आपको इसमें। और इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत ही अच्छी है, मतलब 75 रुपीज में आपको इतनी अच्छी लिपस्टिक मिल रही है, ये सभी के पास होनी चाहिए आई थिंक। इसमें मेरा शेड है पिंक कर्व P29। ये पिंक बोल रहे हैं लेकिन ये थोड़ा सा रेडिश शेड में पड़ जाता है, मतलब रेड पिंक दोनों की ऐसे शेडिंग देता है ये। और ये प्रॉपर मैट भी नहीं है, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में है। ये 3 से 4 घंटे तो आराम से आपके लिप्स पे टिक सकती है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर मैट क्रीमी लिपस्टिक देन आई कैन हाईली रिकमेंड दिस L18। जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो बहुत ही पुराने ब्रांड से है, दैट्स कॉल्ड ADS बाम लिपस्टिक। ये ADS का जो ब्रांड है ना ये काफी टाइम से चल रहा है। जब मैं इतनी सी थी ना, छोटी सी थी, जब मुझे पता भी नहीं होता था मेकअप के बारे में, ये तब से चल रहा है ब्रांड। और ये ब्रांड अच्छा है और काफी अफोर्डेबल है। इसके सारे मेकअप प्रोडक्ट आते हैं ADS के और अफोर्डेबल आते हैं रेंज में। इसमें मेरा शेड है ये थोड़ा सा मोव पर्पल काइंड ऑफ शेड है और ये प्रॉपर मैट है। ये लगाई हुई इतनी ब्यूटीफुल लगती है ना, प्रॉपर मैट जो लिपस्टिक होती है ना, लगाने के बाद आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने लिप पे कुछ लगा रखा है। इसमें शेड है, इसने कोई शेड नहीं दे रखा। अगर आपको ये वाला शेड चाहिए तो इसका नंबर है 18। और ये लिपस्टिक आपको किसी भी लोकल स्टोर से मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको। और ये इसकी ये बात है कि ये ना ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगी नहीं, 3 से 4 घंटे के बाद, और वो भी अगर आप कुछ खाओगे ना ये निकलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आप ये वाली लिपस्टिक वेयर की है तो ये आपको साथ में कैरी करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मैं आपको नहीं कहूंगी लेने के लिए कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो ये लिपस्टिक जस्ट डोंट यूज इट। हमारी जो लास्ट दो लिपस्टिक है ये मैंने दोनों ही लोकल स्टोर से ली है। ये तो है लिप क्रेयॉन, इसका है नाम टीन्स बाय मेकओवर। ये थोड़ा ऑरेंज काइंड ऑफ शेड है, इसमें इसका शेड नंबर नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा इसमें शेड नंबर। ये मैंने लोकल स्टोर से लिया है, ये मुझे ना 50 रुपीज का पड़ा, जस्ट 50 रुपीज का। तब तो मुझे लगा नहीं था कि मैंने ना 3-4 इकट्ठे लिए थे ये वाले, क्योंकि मुझे ना मैंने स्वैच करके देखे इसके कलर काफी अच्छे लगे, तो ये मुझे ना लगा नहीं था इतना अच्छा काम करेगा, लेकिन ये अप्लाई करने के बाद इतना अच्छा लगता है ना। सी ये वाला शेड है ऑरेंज शेड थोड़ा सा, ये लगाने के बाद इतना अच्छा लगता है ना। एक तो ये मैट है, प्रॉपर मैट नहीं है, ये भी थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में है और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक निकलता नहीं है आपके लिप्स से, 4 से 5 घंटे आराम से टिकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज फ्रॉम परसोनी। ये वाली ब्रांड की लिपस्टिक आपको सभी लोकल स्टोर पर मिल जाएगी, मतलब मैं ना आज तक जितने भी लोकल स्टोर पर गई हूँ ना सभी पे ये वाली लिपस्टिक होती ही होती है। ये 50-60 रुपीज में पड़ेगी आपको, लेकिन ऑनलाइन मिलेगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोकल स्टोर पे आपको जरूर मिल जाएगी। और ये काफी अफोर्डेबल है,
प्रॉपर मैट लिपस्टिक है और इसमें शेड भी बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, मतलब इसमें लाइट शेड नहीं मिलेगा आपको, सारे डार्क शेड मिलेंगे। सी इसमें मैंने ये वाला शेड लिया है, इसके ऊपर शेड नंबर दे रखा है 101। ये काफी अफोर्डेबल है और ये काफी अच्छी है, 4 से 5 घंटे आराम से टिकती है ये लिपस्टिक। और अगर आप अफोर्डेबल लिपस्टिक देख रहे हो, आपको लोकल स्टोर से लेनी है, तो आपको वहां पे जाके जरूर देखना ये परसोनी की लिपस्टिक। सो कमेंट करके बताना कि आपने इन 5 लिपस्टिक में से कौन सी लिपस्टिक यूज कर रखी है, या आपको कौन सी लिपस्टिक अच्छी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।